ओके okay, बेसिकली इस वीडियो में बायजूस की तरफ से आई वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जो बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो प्रोफाइल है इसके लिए बायजूस ने अभी रिसेंटली बहुत सारी हायरिंग की और जब से बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया है और जब से इसने के ट्वेल्व अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है इसके बाद से इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट की प्रोफाइल की जो जनरेट हुई है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और कौन कौन एलिजिबल रहेंगे और जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है और इसका पैकेज कितना है वो मैं सब आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ओके तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप यदि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस कर सकते हैं आप किसी भी ब्रांच से हो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओके और रही बात जॉब प्रोफाइल की तो आपको बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट के नाम से आपको लगता होगा कि कोई आ, अच्छी कोई हैवी प्रोफाइल होगी तो आप ये सोच के बिल्कुल अप्लाई मत करना बेसिकली ये सेल्स की प्रोफाइल है आपको कंपनी के लिए प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा आपको बेसिकली कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना होगा उसके बेहाब पे वो आपको जो पैकेज है आपको पैकेज देख के आप बिल्कुल अप्लाई मत करना जो पैकेज है बायजूस जो प्रोवाइड कर रहा है वो दस लाख का पैकेज होता नहीं है एक्चुअल में क्या होता है बाईजूस का जो अभी जब से वर्क फ्रॉम होम मॉडल और जब से दो के बाद से जब से ये वैकेंसी निकाल रहा है बी प्रोफाइल के लिए तो बेसिकली इसने टू मंथ के लिए बी प्रोग्राम इसने लॉन्च करा है जिसमें आपको दो महीने के लिए बिज़नेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट करते हैं वो उसके बाद में आ, आपको कुछ टारगेट दिए जाते हैं वो टारगेट क्या होंगे आखिर आपको बी प्रोग्राम में करना क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी बस इतना समझ लीजिए कि आ, दो महीने के लिए वो बी प्रोग्राम में रखेंगे आपको उसके बाद यदि आप उनको रेवेन्यू जनरेट कुछ टारगेट जनरेट करके देते हैं तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बी डी के लिए आपको सेलेक्ट कर लेते हैं ओके okay? बी प्रोग्राम में वो आपकी जो पैकेज है वो थ्री ती, तीन लाख का पैकेज रखने वाले हैं और आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीट कम्प्लीशन ऑफ द बी प्रोग्राम आप बी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ओके तब आपका जो पैकेज है वो सेवन प्लस थ्री का हो जाएगा ओके सेवन आपका फिक्स रहेगा और तीन लाख आपके इंसेंटिव जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके इंसेंटिव के बेहद पर आपका तीन लाख का पैकेज होगा ओके अब रही बात अप्लाई कैसे करना है तो डोंट वरी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा कि आखिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है ओके तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ बाईजी के लिए अप्लाई कैसे करना है ओके okay. आज स्क्रीन पे आ गए हैं यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल सर्च बार पे हम सिंपली टाइप करेंगे बायजूस करियर ओके okay? बायजूस करियर हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं इसके बाद हमको जो सेकंड लिंक जो प्राप्त होती है वाली बायजूस करियर की इस पर हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक मारेंगे ओके okay? अब क्लिक करने के बाद हमारे पास जो बाइजूज का ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाती है यहाँ पर हमको जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है जैसे ही हम इस पेज को स्क्रॉल करते हैं इसके बाद हमको नीचे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है यहाँ पर हमको क्लिक करना है अब जैसे ही हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं इसके बाद हमको सिंपल एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें हम अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जैसे कि नाम मोबाइल नंबर मेल आई और आपकी एजुकेशनल डिटेल और आपका रिज्यूमे ओके okay. uh, जैसे ही हम ये डिटेल फिल करते हैं इसके बाद में हमको uh, एक मेल आ जाएगा कि हमने बाई जी उसमें अप्लाई कर चुके हैं आप जो भी मेल आईडी आप इसमें रजिस्टर करेंगे या जो मोबाइल नंबर उस पर आपको मेल आ जाएगी कि आपने इस पर अप्लाई uh, कर चुका है ओके okay. अब uh, यहाँ पर अब सेकंड uh, सेकंड चीज uh, uh, सामने आती है कि, कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे बाइजूस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आप यदि एक बार आपने इंटरव्यू दे चुका है तो आप नाइन डे के भीतर दो बार भी नहीं करा सकते तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आ, मेरे पास यही रास्ता है कि आप आ, क्या करें इस फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम अप्लाई करते टाइम डाला था उसको चेंज कर दें ओके चेंज करने से क्या होता है उनके पास जो डाटा है उनको उनको ये लगेगा कि आप आपने पहली बार आपने इस पोर्टल पर अप्लाई किया क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ तो सेम हो सकते हैं पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर हर एक कैंडिडेट का डिफरेंट हो गया होता है ओके तो आप ऐसा तो फर्स्ट टाइम उनके उसमें पोर्टल पे जाएंगे तो आपको चांसेस ऑफ इंटरव्यू के हैं वो ज्यादा हो जाएंगे ओके तो आप दो मोबाइल नंबर और दो मेल आई से आप यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं तो आपको जो वैसे तो बायजूस हर किसी कैंडिडेट को कोस करता है होप आपके पास जल्दी रिस्पॉन्स आएगा ओके सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास यदि जब कॉल आता है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन एच आर पूछता है एक्चुअल में कितने राउंड कंडक्ट होते हैं और क्या क्वेश्चन आज ने मेरे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा था आ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा ओके okay. होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो एक्चुअल में बायजूस में चॉप करना चाहते हैं ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में